टीवीएस अल्ट्रासाउंड बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी की डिटेल देखने के लिए किया जाता है सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है। अगर आपको पीरियड की प्रॉब्लम है तब भी आपको यूट्रस की डिटेल्स देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है अनवांटेड, या फिर आपको किसी भी तरह की गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो यूजुअली डॉक्टर आपको टीवीएस अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। तो जो टीवीएस अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो इस अल्ट्रासाउंड प्रोब से किया जाता है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, हमारे पास दो प्रोब होते हैं बेसिकली। ये जो प्रोब होता है ये होता है ट्रांसएब्डोमिनल प्रोब, जिसको पेट पे रख के अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और ये वाला जो प्रोब होता है ये होता है आपका टीवीएस प्रोब, यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी प्रोब। यही वाला जो प्रोब होता है यूजुअली हम लोग टीवीएस अल्ट्रासाउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रोब होता है इसको यूज़ करने से पहले हम लोग सबसे पहले पेशेंट का ब्लैडर खाली करवाते हैं, यानी उनको पेशाब करने आने को बोलते हैं, और फिर उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं उसके ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के लिए। अब जो टीवीएस प्रोब है इसको ऐसे ही पेशेंट के वजाइना में इंसर्ट करके अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है, इसको सबसे पहले इस तरह का ही जो कॉन्डम होता है उससे कवर कर दिया जाता है लाइक दिस, और फिर जब इसको पूरी तरह से कवर हो जाता है ये प्रोब, उसके बाद इस प्रोब को वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब ये जो कॉन्डम है ये हर बार हर पेशेंट के लिए अलग अलग चेंज होता है, तो इसलिए किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना या फिर एसटीडी होना ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी भी पेशेंट को, या किसी भी पेशेंट का इन्फेक्शन किसी और को कभी भी नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर इस तरह का एक कॉन्डम हम लोग लगा के अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब ये कॉन्डम लगाने के बाद इसके ऊपर एक जेली भी हम लोग ऐसे लगाते हैं, और ये जेली जो होता है ये ज़रूरी होता है, इसके दो काम होते हैं। ये जेली जो लगाया जाता है इससे या तो एक तो जो ये प्रोब है वो आसानी से वजाइना में जा पाए, एक लुब्रिकेशन का काम करे, और दूसरा इसी के थ्रू जो अल्ट्रासाउंड रेज है वो ट्रैवल करती है और हमें सारी डिटेलिंग इसी की वजह से बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो इसीलिए टीवीएस अल्ट्रासाउंड जो होता है वो ये जेली लगाए बिना नहीं किया जाता है। और ये जेली जो होती है, अगर आपकी फॉलिकल मॉनिटरिंग हो रही है और आपका टीवीएस हो रहा है, तो ये जेली आपके हस्बैंड के स्पर्म के लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होती है, उससे स्पर्म नहीं मरते हैं, उसके स्पर्म काउंट नहीं कम होता है, और आपके फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है अगर आपकी फॉलिकल स्टडी हो रही है टीवीएस के थ्रू। तो ये भी चीज़ आपको पता रहे। और एक और चीज़ कि अगर आपको टीवीएस अल्ट्रासाउंड के बाद ब्लीडिंग हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है वो ब्लीडिंग आपके टीवीएस अल्ट्रासाउंड की वजह से हुई है, जो ब्लीडिंग होती है आपकी वो किसी और वजह से होती है, क्योंकि जो टीवीएस अल्ट्रासाउंड हम वजाइना में इंसर्ट करते हैं वो मोस्टली वजाइना में बिल्कुल नीचे ही रहती है, वो कभी भी आपके सर्विक्स को क्रॉस नहीं करती है। तो लोगों को जो लगता है कि मैं तो यूट्रस में इंसर्ट करके टीवीएस से अल्ट्रासाउंड किया है, तो ऐसा नहीं होता है, और जो ब्लीडिंग होती है वो उनको किसी और रीज़न की वजह से होती है, क्योंकि टीवीएस से ब्लीडिंग होना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो ये था कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड कैसे होता है और टीवीएस अल्ट्रासाउंड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होती है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।